जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोटॉक यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास जानकारी राशि विशेष वीडियो में। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि हम आपको राशियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उस क्रम में आज राशि चक्र की चौथी राशि कर्क के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कैसे होते हैं कर्क राशि के जातक। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों के बारे में चर्चा की गई है, 12 राशियाँ होती हैं और उसमें उस क्रम में चौथी राशि होती है कर्क। तो कर्क राशि का स्वभाव कैसा होता है, क्या पसंद होता है, क्या नापसंद होता है, क्या उनके लिए शुभ है, क्या अशुभ है, तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपको बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज़ में ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, टैरो कार्ड के बारे में, हर तरीके के वीडियोज़ जो है जो आपकी लाइफ को ईजी बना सकें उस बारे में जानकारियाँ देते हैं। तो हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहिएगा, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके किसी बताए गए टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कोई फीडबैक आता है आपका, कोई कॉमेंट है, कोई सजेशन है तो वो भी लिखिए ताकि हम उसे अपना सकें और आपको और बेहतर तरीके से वीडियो दे सकें। तो चलिए जानते हैं कि कर्क राशि के जातक कैसे होते हैं। कर्क जो है राशि चक्र की चौथी राशि है, इसका स्वामी चंद्रमा होता है। कर्क जातकों की प्रवृत्ति और स्वभाव समझने के लिए हमें कर्क के एक विशेष जो है गुण को की तरफ अवश्य ध्यान देना होगा। कर्क यानी केकड़ा जब किसी वस्तु या जीव को अपने पंजों में जकड़ लेता है तो उसे आसानी से नहीं छोड़ता है, भले ही उसके लिए उसे अपने पंजे गंवाने पड़े। कर्क जातकों में अपने पसंद के लोगों और अपने विचारों से चिपके रहना यही गुण दिखाता है। ये भावना जो है इन्हें ग्रहणशील, एकाग्रता और धैर्य के जो है गुण प्रदान करती है। इनका मूड बदलने में देर नहीं लगती, बहुत मूडी किस्म के होते हैं, मूड स्विंग्स ज़्यादा होता है। इनके अंदर बहुत अच्छी कल्पना शक्ति होती है, इनकी जो है याद करने की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं। अतीत उनके लिए भारी महत्व रखता है, यानी पास्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कर्क जातकों को अपने परिवार में विशेषकर पत्नी और पुत्र के लिए बहुत ज़्यादा, यानी वाइफ और बेटे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उनके बिना उनका जीवन अधूरा रहता है। दोस्ती को वो जीवन भर निभाना जानते हैं, यानी अच्छे दोस्त भी होते हैं कर्क राशि के लोग। कर्क राशि के लोग अपने मन के मालिक तो होते ही हैं और खुद पर किसी भी प्रकार का जो है दबाव या अंकुश थोपा जाना सहन नहीं करते हैं, इनको आप बंदिश में नहीं रख सकते हैं। ये लोग ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं और भारी यश यानी बहुत फेम मिलता है इनको। इस राशि के लोग अच्छे कलाकार हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, जो है कुछ लोग इसमें से जो है कुछ हद तक बिजनेसमैन हो सकते हैं। अपनी गुप्त विद्याओं, धर्म या किसी असाधारण जीवन दर्शन के बारे में गहरी दिलचस्पी वो लेते हैं। कर्क राशि के जातक बड़ी बड़ी योजनाओं का सपना देखने वाले होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। इन्हें जो है विचित्र साधनों में और अजनबियों के संपर्क में आने से आर्थिक लाभ हो सकता है, यानी आप जब न्यू लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। आप आर्थिक क्षेत्र में आपको अजनबियों से ज़्यादा मदद मिलेगी, आप मेडिसिन के काम में जा सकते हैं, रियल एस्टेट के काम में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट के काम में जा सकते हैं, लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस में आप जा सकते हैं। ये सारी चीज़ों में अगर आप पैसे लगाते हैं तो ये आपके लिए शुभ है, बिजनेस कर सकते हैं। वहीं कर्क राशि के जो लोग हैं वो बचपन में, इनके बात करें शारीरिक जो है कैसे होते हैं, तो बचपन में थोड़े जो है कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, लेकिन एज बढ़ते बढ़ते उनके शरीर में काफ़ी विकास होता है। और जो है कालपुरुष की, चूँकि कर्क जो है कालपुरुष के वक्ष स्थल और पेट का प्रतिनिधित्व करती है, तो कर्क जातक जो है अपने भोजन पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या खाते हैं इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अधिक कल्पना शक्ति रखने के कारण जो है ये सपनों के जाले बुनते हैं जिसकी वजह से इनका मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है कभी कभी, तो इसकी वजह से माइंड पे, अपने सोच पे इनको काबू रखना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया कि कर्क राशि का स्वभाव क्या होता है। अब जानिए कि उनके लिए शुभ अंक क्या है। तो शुभ अंक लकी नंबर है आपके लिए 2, कर्क वालों के लिए लकी कलर है वाइट और या फिर सफेद या हल्का नीला, और कर्क वालों के लिए शुभ दिन होता है सोमवार यानी मंडे का दिन। तो ये चीजें हमने आपको कर्क राशि के बारे में बताई, यानी राशि चक्र की चौथी राशि के बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कोई सवाल रह गए आपके मन में तो जरूर लिखिए, किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दें तो वो टॉपिक भी आप जाके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आने वाले समय में आपको उससे जुड़े वीडियो बनाकर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले कर्क राशि के सभी जातकों को एक अच्छे लाइफ के लिए सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।